डियर स्टूडेंट्स, GDPL चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नवी क्लास अपलोड कर रहे हैं रीट लेवल 1 की, और हमारी LCM की आज दूसरी क्लास है। हमने LCM के बारे में समझा था, LCM कैसे निकालते हैं, दशमलव का LCM कैसे निकालते हैं, भिन्नों का LCM कैसे निकालते हैं, HCF सब निकाला। अब हम सवाल करेंगे आगे। देखो बेटा, एक चीज है कि कोई दो संख्या है और उनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो उनका गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। अब जैसे मैंने कहा दो संख्या है एक्स और वाई, तो मैं कहता हूं एक्स इंटू वाई किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होगा। इसको गणित भाषा में ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एचसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई दो संख्याओं। अब मैं आपको बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। मैंने कहा मेरे पास दो संख्या है चार और छ, ठीक है, एक संख्या चार है और एक संख्या छ है। अब मुझे बताओ चार और छ का एलसीएम कितना होता, तो चार और छ का एलसीएम कितना होता, बस दो दूना चार, चार तीन बारह, बारह एलसीएम। और इनका एचसीएफ कितना होता, दो, तो 24 किसके बराबर हुआ, 24 के बराबर हुआ। चलो ये छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा सा एग्जांपल है। मैंने कहा संख्या है 24 और 36, 24 और 36 का एलसीएम क्या आता, दो 12 18 2 6 9 3 2 और 3, तो दो दुना चार, चार तीन बारह, बारह दुना चौबीस, चौबीस तीन बहत्तर। तो मैं कहता इसका एलसीएम आता बहत्तर, तो चौबीस इंटू छत्तीस किसके बराबर होगा, बहत्तर इंटू इनका एचसीएफ क्या होता है बेटा, ये वाली संख्या, क्योंकि जब कॉमन संख्या नहीं थी तो ये वाली संख्या, तो ये दोनों संख्या बराबर, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो कभी ऐसा चेक करना हो ना, तो जरूरी नहीं कि हम दोनों संख्याओं को गुणा करके देखें, हमें जस्ट ये देखना है कि क्या ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनको काटा पीटी करेंगे। देखो 36 दुना बहत्तर, अब देखो 24 इज इक्वल टू 24, तो मैं कहूँगा कि ये सही है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला परफेक्ट है। अब हम आपको सवाल कैसे पूछ सकते हैं, हमारे पास ये चार चीजें हैं एक्स वाई एलसीएम एचसीएफ, तो हम आपको क्या करेंगे, ये दो दे देंगे, ये दे देंगे, कहेंगे ये संख्या निकालो। तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला रखना है, जो संख्या नहीं पता हो उसको वहीं पर रहने दो फॉर्मूले में, और गुणा भाग कर लो। जैसे ये निकालना है, ये अपने को पता है, तो इसको फिर इधर ले आएंगे और इस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब हम एक तो आपको सवाल करके बताते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि दो संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ 48 और 8 है, और एक संख्या है वो 24 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, 24 इंटू वाई, मुझे एक्स पता है वाई निकालनी है, और 48 इंटू 8, तो वाई क्या हुआ 48 इंटू 8 बटा 24, 24 दुना 48, 8 दुना 16, हमारा उत्तर आ गया 16। तो हमें ज्यादातर केसेस में स्ट्रेट सवाल पूछेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि आपको थोड़ा सा घुमा दे और आपको ये संख्या नहीं दे, सिर्फ ये दे दे, तब हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। दो तीन और सवाल करते हैं इस तरह के। तो एक सवाल तो आप लोग कर लेना, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो सीधा सीधा भाग लगा के देख लेना। तो ये उत्तर हो जाएगा 7700 इंटू 11 बटा 275, 11 से कटेगा 25, 25 थी 75, 2 0 और 8, तो मैं कहूंगा उत्तर हो गया 308। देखो बेटा कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी रखो तो काम आती है।
अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं। अब सवाल कहा कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अब इस सवाल में इन्होंने क्या किया कि आपको सीधा सीधा ये नहीं कहा कि एचसीएफ क्या है, आपको एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी दूसरी से, तो हमारे को तो चार में से तीन चाहिए थी। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या था, एचसीएफ था। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है, एचसीएफ आपने मान लिया कि 12 के गुणज का। देखो बेटा कोई भी दो संख्या, जैसे मैं कहता हूँ 24 और 36, इनका एचसीएफ क्या होता, इनका एचसीएफ होता 12। ठीक है, तो 24 और 36 क्या संख्या है, ये 12 के गुणज है, 12 दूना 24 भारतीय 36। तो इन्होंने आपको घुमा के गुगली फेंकी कि भैया ये 12 के गुणज है, इसका मतलब है ये संख्या आपकी एचसीएफ थी। अब आपको एक एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, एक संख्या मिल गई, तो सवाल सवाल हो गया। तो 12 × 1056 इज इक्वल टू 132 × x, तो x क्या हो गया, 12 × 1056/132, 12 से कटा 11 और ये कट गया 96। तो मैं कहूंगा दूसरी संख्या क्या थी, 96 थी। तो सवाल घुमा के आएगा, आपने फॉर्मूला रख लिया LCM × HCF इजिकल टू दो संख्याओं का गुणनफल, और अब आपका HCF नहीं गया, अब आप बोल्ड हो गए, एल ये क्या हो गया। तो बेटा गणित को समझो। अब देखो थोड़ा सा आप अब थोड़ा स्ट्रेट सवाल लीजिए, घुमा के दिया सवाल, तीसरा सवाल ये कहता है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, एक और एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अब देखो इन्होंने ना तो एचसीएफ दिया, न संख्याएं दी, कुछ नहीं दिया, सवाल घुमा दिया। तो बेटा मैं पहले एक बार इसको साफ कर देता हूं ताकि हमें इसको भी मैं हटा रहा हूं। तो मैंने कहा संख्याएं क्या है, 3 और 4 के अनुपात में है, और इनका एलसीएम क्या है, 84, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बेटा एक चीज है, देखो अनुपात को समझो एक बार, जब मैं कहता हूं कि संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, इसका मतलब वो संख्या है 6 8 भी हो सकती थी, यानी किसी भी संख्या का सरलतम रूप होता है अनुपात। संख्या 9 और 12 भी हो सकती थी, संख्याएं 12 और 16 भी हो सकती थी। आप बोलते सर कैसे हो सकती थी, अब देखो इनको दोनों को 4 से काटोगे तो क्या होगा, इनको 3 से काटोगे तो क्या होगा, इनको 2 से काटोगे तो क्या होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी भी संख्या को, तो इन दोनों को एक संख्या से गुणा करूं तो मुझे मान वही निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को एक किसी संख्या से गुणा कर दूं तो मैं कहूंगा वो संख्या थी एक्स। तो यानी एक संख्या हो गई 3x, एक संख्या हो गई 4x, और इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम के और एचसीएफ के। अब ये जो एचसीएफ था वो क्या था, एक्स था। मैंने पिछले सवाल में आपको क्या बताया, 12 का गुणज, तो एक्स का गुणज, एक्स का गुणज 3 और एक्स का गुणज 4, तो ये मेरा एचसीएफ था। बेटा ये होती है गणित, अगर आपने पकड़ ली तो खेल आसान, आप देखो कितना आसान हो जाता है। एक एक्स से कोई एक्स कट गया, अब इधर बच गया 12x = 84, x = 62, ये उत्तर नहीं है। एक्स का मान रखो, एक संख्या 3x थी, एक संख्या 4x थी, पूछा क्या था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये है। तो मैं कहूंगा 4 7, ये आंसर हो गया। वापस एक चीज को ध्यान से देखें, मुझे कहा कि दो संख्या है और 3 और 4 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम 84 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या है। तो मैंने क्या कहा, मुझे समझ में आया कि संख्या है, तो एक्स एक ऐसी संख्या है जिनके गुणज हैं ये, तो मैंने क्या किया, ये संख्या को बना दिया 3x, इसको बना दिया 4x। अब मुझे मेरा फॉर्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ, एक्स क्या था, एचसीएफ था, सॉल्व किया, एक्स साथ है और हमने इसको कर लिया। तो एक तो और सवाल हम ऐसे करते हैं,
और उसके बाद हम सेज पे। अब बेटा आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें आप नोट कर लें। एक है, हमेशा याद रखें एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई भी संख्या का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 12 है, तो 36 में 12 का भाग जाएगा, तो यानी एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और पॉइंट नोट करें, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। याद करो संख्या में अपन ने क्लास में क्या पढ़ा था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसा जोड़ा जिनकी कोई कॉमन संख्या ना हो। जैसे मैंने कहा 4 और 9, 4 और 9 क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें कोई कॉमन नहीं है। ऐसी संख्याओं में जब कॉमन नहीं होगा तो अभाज्य क्या होगा? एक होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। ये बेटा ये चीज अभी काम आएगी ना अपने, तो ये याद रखें जब दो ऐसी संख्याओं जिनमें कोई कॉमन नहीं हो तो एक तो कॉमन होगा ही होगा, तो हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। और तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में कराया था कि संख्याएं अनुपात में दी हुई हो तो आप मान लें एचसीएफ एक्स होगा और फिर उनको अनुपातों से गुणा करके एचसीएफ को एक्स मान के सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा नोट कर लें, फिर मैं अभी यह सवाल कराता हूं, तो आप पॉज करके नोट करें। अब देखो एक सवाल कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। इन्होंने एलसीएम और एचसीएफ नहीं दिया मुझे, क्या कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। और इधर मैं एक और चीज समझा दी मुझे कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कितना गुना है? 84 गुना है। और एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? अब मैं कहता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं, एलसीएम एचसीएफ, तो मैंने कहा माना एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम क्या होगा? इसका 84 गुना, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, ये एक्स है तो ये 84 एक्स है। अब मैं उधर जाता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 580 है, तो x प्लस 84 x कितना हुआ? 680, ये हो गए 85 x, तो x क्या हुआ? 680 बटा 85, 5 से काटा 13 5 65 17 8 136, यानी अब मुझे मिल गया x की वैल्यू। x की वैल्यू मिल गई तो एचसीएफ मिल गया 8, एलसीएम क्या हो जाएगा? 680 में से 8 गए 672, दो संख्या एलसीएम एचसीएफ मिल गया, एक संख्या मिल गई, सॉल्व हो गया। तो एक्स क्या हो गया? 8 × 672 बटा 56, 8 × 56 7 × 9 63 और 6, तो मैं कहूंगा दूसरी संख्या क्या है? 96। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको शेष में जाने से पहले एक और सवाल कराता हूं जो कभी कभी आ जाता है, वो है जोड़े कि कितने जोड़े संभव हैं। अब बेटा दो सवाल करते हैं। एक सवाल है, ये बिल्कुल कुछ नहीं, मैंने अभी आपको नोट लिखा है तो मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि आपने इस चीज को समझा या नहीं समझा। मैंने कहा दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तो इनमें से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती? अपन ने पॉइंट क्या लिखा था, नोट नंबर 1, कि एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 120 में इन चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है नहीं था, ये चेक करना है। तो देखो भाग जाता है तो ये तो होगी, ये भी हो सकती है, 24 5 120 भी हो सकती थी, पर 32 120 को नहीं देता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 32। 32 जिन संख्याओं का एलसीएम 120 है उनका एलसीएम 32 नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ कंसेप्ट वाला पॉइंट था और कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ आपको समझाया कि कैसे सवाल पूछा जा सकता है। अब एक और सवाल करते हैं, एलसीएम 136 है, एचसीएफ 17 है, तो बताओ कितनी संख्याओं के जोड़े संभव है। अब यहां पे हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
अब देखो मैंने कहा HCF 17 है, तो संख्या क्या होगी? 17x और 17y। आपने कैसे किसे बना लिया? तो मैं कहूंगा बेटा देखो संख्याएं क्या होगी, HCF के गुणज में होगी, क्योंकि दो अलग अलग संख्या है, तो एक 17x होगी और एक 17y होती। हम जब अनुपात किए थे तो अनुपातों में हमने संख्याओं का अनुपात दिया था 3-4, HCF तो एक ही होता है, तो मैंने कहा था x। तब संख्याएं क्या हुई थी? 3x और 4x। तो अनुपात दिया हुआ है तो एक अलग चीज है, यहाँ HCF दिया हुआ है तो मैंने दो अलग अलग संख्याएं ले ली। ठीक है, अब हमारा गणित क्या कहती है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है। देखो एक 17 से 17 कट गया और ये हो गया 17 8 136। इसका मतलब हो गया एक्स वाई क्या है? 8 है। यानी एक्स और वाई को गुणा करता हूं तो 8 आता है। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? तो देखो 1 × 8 भी हो सकता था। 1 × 8 क्या होता? 8 होता। और एक क्या होता? 2 × 4 होता, तो क्या होता? 8 होता। अब मुझे बताओ कि अब इन दो ऑप्शंस में हमारे पास ये दो संख्याएं के चांसेस हैं कि ये दो हो सकती हैं। अब देखो मैंने एक आपको नोट लिखाया था कि दो सह अभाज्य संख्याओं का, तो यहां मुझे क्या पकड़नी है? ये जो दो गुणनखंड है ये सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 और 4 में कॉमन है, 2 इसमें, तो एक एक तो हर एक में कॉमन होता है, उसको नहीं करते हैं। तो ये संभव नहीं है, ये हमारी संख्या नहीं हो सकती। तो हमारी संख्या कौन सी संभव थी? एक। तो यानी इन्होंने पूछा कितने जोड़े संभव है, तो मैं कहूंगा एक जोड़े संभव है। अगर ये पूछते कि वो संख्याएं क्या थी, तो मैं क्या कहूंगा? 17 और 136 ही होगा। एक सवाल और करते हैं। तो बेटा एक और सवाल हम कर लेते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का HCF 27 है और उन दोनों संख्याओं का योग 216 है, तो बताओ ऐसी कितनी संख्याएं युग्म या जोड़े संभव है। अब देखो इन सवाल में एलसीएम नहीं दिया और एलसीएम का इसमें कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती जिनका एचसीएफ 27 हो और उनका योग 216 हो। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? तो बेटा जैसे मैंने कहा एचसीएफ दिया हुआ है तो वो संख्याएं क्या होती? 27x और 27y। अपन ने पिछले सवाल में सीखा था कैसे करते हैं। और ये कहता है इनका योग क्या है? 216। अब मैंने इनको क्या किया, 27 को कॉमन ले लिया और ये कर दिया 216। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई क्या हो गया? 216 बटे 27। 9 से काटा, 3 से काटा, तो मुझे समझ में आया कि जो गुणज है, जो x और y है, वो जोड़ के कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऐसी कैसी स्थितियां हो सकती है? देखो बेटा अगर x 1 हो तो y 7 होगा, x अगर 2 हो तो y 6 होगा, x अगर 3 हो तो y 5 होगा, और x 4 हो तो वाई भी 4 होगा। अब आप अगर 5 करोगे तो वो 5 और 3 हो जाएगा, तो चीज वही रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 मेरा बस 4 चांसेस हैं कि ये हो सकता है। अब इनमें से मुझे वो निकालना पड़ेगा जो नहीं है। वो कौन से नहीं है? देखो बेटा मैंने अभी क्या कहा था, सह अभाज्य संख्या। अब देखो 2 और 6 सह अभाज्य नहीं है। क्यों? कि इनमें कॉमन क्या है? 2। तो ये संख्या मेरा उत्तर नहीं हो सकती। इसी तरह से ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकती। तब कितने जोड़े संभव हैं? 2। तो मैं कहूंगा इसका उत्तर हो गया 2। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे सवाल। अब हम एलसीएम के ऐसे सवाल करते हैं जिसमें एलसीएम का कंडीशन लगी होती है और एक एलसीएम में शेष के सवाल होते हैं, वो हम अब करेंगे। अब बेटा कुछ ऐसे सवाल आते हैं एलसीएम में कि अल्पतम पूर्ण वर्ग संख्या जिसे 4, 6 और 15 से विभाजित किया जाए, तो मतलब वो संख्या पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे कि
कि 4, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 4, 6, 15 का एलसीएम क्या होता है? पांच दुना 10 60। तो मुझे ये समझ में आया कि एलसीएम तो हो गया 60, पर इन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, 60 का गुणज निकालना है जो पूरा वर्ग हो, और मेरे पास ये 4 ऑप्शन है सवाल में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जो आपका एलसीएम आया है वो ऑप्शन में भाग दे के देखो, और वो संख्या ध्यान रहे कि पूर्ण वर्ग हो। तो क्या ये 600 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 600 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, ठीक है। अब अगली संख्या क्या रहेगी 600 के बाद? 900। 900 में क्या 60 का भाग जाता है? जाता है जी। तो मैं कहूंगा ये हमारा उत्तर होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मेरी पहली एलसीएम वाली क्लास में मैंने आपको कहा था कि एलसीएम का डबल करोगे तो वो उसका भी, वो भी एक ऐसी संख्या होगी जिसमें उनका भाग जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 और 3 है, 2 के गुणज क्या है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 3 के गुणज क्या है? 6, 9, 12, 15, 18। तो देखो 6 कॉमन, 12 कॉमन और 18 कॉमन। 6 दुना 12, 6 3 18, यानी जो एलसीएम है उसका पहाड़ा जो होगा वो भी उनमें इन संख्याओं का भाग जाएगा। तो मुझे 60 का पहाड़ा बोलना है, 60, 120, 180 बोलना नहीं है, दिमाग में रखना है। और इसका सीधा तरीका क्या है, इन ऑप्शंस में इसका भाग लगा के देख लो, जिस संख्या में ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा है वो हमारा उत्तर होगा। पर यहाँ ध्यान देने की क्या बात है कि इन्होंने कहा पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका रूट अगर लेंगे वो पूरा पूरा होना चाहिए। तो 600 क्या है? 24 और 25 के वर्ग के बीच की संख्या है, इसलिए वो उत्तर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बच्चा चित हो जाएगा, गुरुजी ने कहा था ऑप्शन में जिसमें एलसीएम का भाग आ जाए वो हमारा उत्तर होगा, नहीं भी हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे करेक्ट ही ऑप्शन नहीं थे, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। 9000 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 900 थी। कोई बात नहीं बेटा, तो 900 में अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब इन्होंने कहा 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेना। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना था? 6, 5, 30, 30 में 4 का भाग नहीं जाएगा यानी 60। फिर इसका एलसीएम भी आया 60। अब मुझे क्या करना है बेटा, मैं ये ऊपर वाला सवाल हटा रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, 260 का पहाड़ा बोलना है और ये देखना है कि कौन से कितनी संख्या है जो 200 से 600 के बीच में आती है। तो मैं क्या करूंगा, 60, 120, 180, ये तो 200 के नीचे है, 240, 300, 360, 420, 480, 540 और 600। अब यहां पे बेटा बहुत खतरनाक चीज है, यहां पे आपको समझना होगा एक शब्द बड़ा खतरनाक है, के बीच। जब मैं कहता हूं 200 से 600 के बीच में है, इसका मतलब ना तो 200 होगा ना 600 है। समझ में आई बात बेटा? जब मैं कहता हूं कि कोई संख्या है वो 200 से 600 के बीच में है, यानी ना तो 600 है ना 200 है। सवाल में ऐसा लिखा होता 200 से 600 तक तो हम 600 लेते, तब ये क्या हुआ, ये हमारी संख्या नहीं है। तब कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं कहूंगा कितनी संख्या होंगी, 6। ये सवाल 100 में से 99 बच्चे गलत करते, वो सब 600 को इंक्लूड करते और 7 ऑप्शन पे टिक मारते, और 7 ऑप्शन भी आपके ऑप्शन में होगा।
तो बेटा आपको मैं समझ में आई मेरी बात कि गणित में शब्द पे कितना ध्यान देना है। अगर ये लिखा होता 200 से 600 तक, तब तो 600 आता। जब मैंने कहा 200 से 600 के बीच, इसका मतलब 200 600 एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं है। ये बस बेटा ध्यान रखना, सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा अगर हमने 600 को ले लिया तो। अब देखो तीसरा सवाल देखो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ऐसे सवालों में सबसे पहला काम है इनका एलसीएम लेना, ये भी आया 60, ठीक है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 9, 9, 9। तो मैं कह रहा हूं कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब है 60 को मेरे को 9 इसके आसपास ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 60 का भाग दे दूंगा। पीछे बचा 39, शेषफल कितना बचा? ये बच गया। अगर मैं 9,999 से ये घटा देता तो क्या होता, पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता? तो बस हमें क्या करना है, इस 9,999 में से 39 घटाना है। तो आंसर क्या आया, 9,960। तो मैं कहूंगा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9,960। अब देखो इसी सवाल को मैंने हल्का सा ट्विस्ट दिया, मैंने कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 4, 5 का भाग जाए। अब इस सवाल को भी लगभग इसी तरह से करना होगा। मैं इसको यहां रख रहा हूं, मैं ये वाला सवाल हटा रहा हूं। ये क्यों रख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला काम एलसीएम तो हमें पता ही है, 60 है। अब मैं क्या करूंगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इससे एक ज्यादा, इसमें 60 का भाग दिया तो 60, 40, 0 उतारा, 360, 40, 0 उतारा, 360। अब अगर मैं ये 360 यानी 40 शेषफल है, अगर मैं 10,000 में से 40 घटाता हूं तो क्या आएगा, 9,960। अब वो कौन सी संख्या हो गई, 4 अंकों की हो गई, तब तो गलत उत्तर हो जाएगा। हमें तो पूछा है 5 अंकों की छोटी संख्या, तो मुझे क्या करना होगा इस सवाल में, इससे आगे वाली संख्या लेनी पड़ेगी। तो 60 7 कितना होता, 420। यानी अगर इस संख्या में 20 और होता तो ये संख्या 60 के भाग जाती। तो मैं कहूंगा कि 5 अंकों की संख्या कौन सी हो गई, 10,000 प्लस 20। अब देखो समझ में आया बेटा, पिछले सवाल में हमने माइनस किया था, ठीक है, क्योंकि वहां हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। अब मैंने क्या किया, आगे ले गया और प्लस किया, क्योंकि मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। शब्दों पे ध्यान देना बेटा, ये सारी क्लासेस बेटा मैं आपको जो दे रहा हूं, आप हो सकता है पहली बार में पूरा समझ नहीं आए तो दूसरी बार वापस देखना बेटा, बहुत बारीकियां हैं इन चीजों में। आपको कभी शायद, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी बारीकियां आपको समझाई गई होगी, आप ढंग से समझे बेटा, आप बहुत आसान है, बस सब शब्दों पे ध्यान देना है। अब देखो एक तीसरा सवाल दे रहा हूं, वैसे ही सवाल, हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखी थी, देखो हमने 3 सवाल किए हैं, एक 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी, वो थी 9,999। दूसरा सवाल किया जो हमने किया था कि 5 अंकों की सबसे छोटी, अब मैं कह रहा हूं आपको 10,000 के समीपतम,
अब ये नया वर्ड क्या आया, समीपतम? सर अभी तक तो आप अधिकतम और वो कर रहे थे, ये समीपतम क्या होता है? तो समीपतम किसको कहेंगे बेटा? कि जैसे मैंने कहा ये एक संख्या है, जो संख्या इसके सबसे नजदीक हो। अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, 9990 और इधर लिख दिया 10015। अब मुझे बताओ इन दोनों संख्या में समीपतम कौन सा है? ये है, क्यों? ये इससे 10 दूर है, ये इससे 15 दूर है, तो नजदीक कौन हुआ? जयपुर से दिल्ली नजदीक है या जयपुर से अमेरिका? अब दिल्ली नजदीक है क्योंकि दिल्ली। तो हमें संख्याओं का अंतर देखना है और ये करना है। अब इसी सवाल को मुझे ये करना होता है समीपतम। अब समीपतम का मतलब क्या हुआ कि वो छोटी भी हो सकती थी, बड़ी भी हो सकती थी। तो मुझे क्या करना है कि 10,000 में वैसे ही भाग देना है, मुझे बताओ कि मैं 6 लिखता हूं तब तो 360 आता है, 40 घटेगा। अगर मैं 6 लिखता हूं, 6 से गुणा करता हूं तब तो क्या आएगा? 360। तो शेष क्या बचता? 40। इसका मतलब वो संख्या क्या होती? 9960। अगर मैं आगे जाता तो क्या होती? यहां संख्या होती 420, यानी 20 ज्यादा, यानी वो संख्या क्या होती? 10,020। अब मुझे बताओ 10,000 के नजदीक कौन है ये संख्या? तो मैं कहूंगा ये मेरा उत्तर है। तो बेटा ये मैंने आपको सवाल जो करा है, इससे आपको ये समझ में आया कि सवाल मुश्किल नहीं होते, समझना बड़ा खेल होता है। गणित का यही खेल है बेटा। मैं बार बार समझा रहा हूं कि गणित आपको इसीलिए भारी नजर आती है क्योंकि आपने गणित को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है। गणित को जब आप पूरा पढ़ोगे ना बेटा, आप कभी ये मत सोचना कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एलसीएम इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है, या दशमलव इम्पोर्टेंट है या भिन्न इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से कोई भी इम्पोर्टेंट होगा, पर बेटा अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने तो आपके सारे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। अब मैं कहूँगा कि सर आपके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का सबसे बढ़िया पार्ट क्या है? आप बोलोगे सर इंजन अच्छा होना चाहिए 500 सीसी का। ठीक है जी, पहिया नहीं होगा तो इंजन क्या करेगा? छोटा सा ब्रेक शू खराब हो जाए तो बैंड बच जाएगी। तो बेटा गणित भी एक तरह से मोटरसाइकिल है। हो सकता है आपको लगे सर ये इंपॉर्टेंट है, इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बेटा टायर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक शू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सब मिलके मोटरसाइकिल बनती है। कोई कह सकता है कि नहीं सब इंजन ले जाओ आप इंजन से चला लो, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। इसी तरह से गणित को बारीकियों से समझा जाता है, और वो छोटी छोटी चीजें पकड़ लोगे ना बेटा तो गणित यूं होगी, और नहीं तो कत्लेआम हो जाएगा। अब बेटा एलसीएम का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो हम कल करेंगे, वो है शेषफल के सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आते हैं, रीट में भी आएंगे, आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं करते हैं। GDPL चैनल पे जाएं बेटा, कभी कभार देरी हो जाए तो माफ़ी देना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस डेली, एक तो डेली क्लास देने का और आपका पूरा सिलेबस कराने का। आप एंश्योर रहो आपका पूरा हम क्लासेस अपलोड करेंगे। ठीक है।